क्या आप भी एक ट्राईपॉड चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसके ज़रिए आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, या एक आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, या टिकटॉक के लिए आपको एक अच्छा ट्राईपॉड चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा ट्राईपॉड शेयर करने वाला हूँ जो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ख़रीदा है। वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है मुझे, लेकिन मैं कम्प्लीटली खुश हूँ उसकी प्राइस पे करने के बाद जब मैंने उसकी क्वालिटी देखी। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो ट्राईपॉड है और हमें कितने का मिला। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास बॉक्स है इसका और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग हुई पड़ी और यहाँ पर हमारे पास इसकी एक वेबसाइट लिखी हुई है। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस, जिनको अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स लिखे हुए हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ और ब्रांडिंग हुई पड़ी है और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फिर अगेन कुछ फीचर्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं ये तो। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, तो चलें इसको हम पहले ही खोल चुके हैं जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज़। और इसके अंदर से सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है वो हमारे पास ये एक क्लिप है जो इसके ऊपर हम अपना मोबाइल माउंट करेंगे। मैं आपको ये मोबाइल माउंट करके दिखाऊंगा, तो इसको अभी हम साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा एक ट्राईपॉड। इस ट्राईपॉड को अगर मैं निकालता हूँ तो ये बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही सॉलिड है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। मैं इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ इस बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है, जो कि हमारा ये हेड है। इसको मैं अगर ये इसको अगर मैं खोल के ऊपर कर दूं तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इनिशियली कुछ इस तरह से नज़र आता है और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड तरह का एक हैंड है जहाँ से हम इसको होल्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे पास इसका हेड है, तो अगर मैं इसको जूम करके दिखा सकूँ तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, यहाँ पे हमारे पास ये एक हैंडल है इसका, जिसको हम मैं अगर लूज़ करता हूँ तो मैं इसको किसी भी तरह से इस तरह घुमा सकता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं जिस जहाँ भी मुझे इसको एडजस्ट करना है मैं उसको यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो ये जो ऊपर सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर हम कोई भी DSLR माउंट कर सकते हैं। अभी मोबाइल हम इस पर माउंट नहीं कर सकते। मोबाइल माउंट करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा क्लिप है, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा ये क्लिप है, अगर मैं इसको इस तरह थोड़ा सा लूज़ कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से भी हो जाता है। मतलब यहाँ से हम अगर मोबाइल रखें तो ये मतलब वर्टिकल भी हमारे पास इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको जहाँ पर भी यहाँ पर इसको एडजस्ट करके आप इसको टाइट कर सकते हैं अपनी ईजनेस के मुताबिक। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये एक ये क्लिप है जिसको मैं इस तरह से घुमा सकता हूँ चारों साइड पे, जहाँ पे मुझे करना है उसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टाइट कर देता हूँ, उसके बाद ये यहाँ से नहीं घूमेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा ये क्लिप है, जिसको अगर मैं लूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ये हैंडल है जिसके ज़रिए मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ और उसके बाद इसको मैं नीचे की तरफ जहाँ पर भी मुझे इसको एडजस्ट करना है मैं कर सकता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। ओके, ये थोड़े से बेसिक फीचर थे। चलिए अब हम चलते हैं इस मोबाइल माउंट की तरफ। तो हमारे पास ये एक मोबाइल माउंट है, मैं इसको ज़रा सा नीचे कर लेता हूँ लेट्स से, और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो यह हमारे पास मोबाइल माउंट है, इसको मैं इस तरह से, यहाँ पर हमारे पास एक लॉकर है जिसको मैं इस तरह से खोल के और यहाँ पर अपना जो है मोबाइल इस तरह से माउंट करके ये वाला, और इसको मैं इस तरह से छोड़ सकता हूँ और ये परफेक्टली माउंट हो चुका है यहाँ पे। लेट्स से मेरे पास ये एक मेरा मोबाइल है, स्पेयर मोबाइल जिसको मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से तो यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल कम्प्लीट पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा जिसकी मदद से ये टोटल ओपन हो जाएगा और इसकी जो हाइट है विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना मोबाइल, मेरा अभी भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा, मैं इसको मैक्सिमम ओपन करके स्टिल नॉट ओके। नाउ
मेरा जो मोबाइल है यहाँ पे परफेक्टली बैठ गया और मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूँगा। और इस तरह से फिर आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर मैं इसको ओपन करके इस तरह से हैंडलिंग कर सकूँ और इसको मैं जहाँ पे भी लॉक करना है मैं लॉक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास ये है इसको मैं खोलने के बाद इसको घुमा सकता हूँ बिल्कुल एक गोल दायरे में जहाँ पे भी मुझे एडजस्ट करना हो और मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको खोलने के बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इसके हैंडल है जिसके ज़रिए मैं इसको इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ और जहाँ पे भी मुझे कन्वीनियंट लगे वहाँ पे मैं इसको जाके इस तरह से इस हैंडल से लॉक कर सकता हूँ। ओके, हाँ तो ये हो गए ऊपर के बेसिक फीचर्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन जगहों पे मेरे पास कुछ ये क्लिप्स हैं जिनको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएंगे और ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, एक नॉर्मल इंसान की हाइट से आई थिंक डबल है। तो विच मीन्स कि हम किसी भी तरह की वीडियो किसी भी हाइट की वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ट्राइपॉड के साथ। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो इसकी जो ब्रांडिंग है वो है डिगीपॉड और TR462 जो कि इसका। जी हाँ, ये थी अनबॉक्सिंग इस पूरे ट्राईपॉड की। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो अगर आप भी ये ट्राईपॉड बाय करना चाह रहे हैं तो इस ट्राईपॉड का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा, बट मैं आपको इसका ऑनलाइन लिंक ढूँढ के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अदरवाइज़ इसका मॉडल वगैरह लिख दूंगा, आप जाके लोकल मार्केट से पता कर सकते हैं। ये ट्राईपॉड मैंने सिर्फ लोकल मार्केट से ही लिया था और इसकी फाइनल प्राइस जो मुझे पड़ी थी वो राउंड अबाउट 4000 के करीब पड़ी थी निगोशिएशन के बाद। तो 4000 के अंदर ये जो ट्राईपॉड है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है। आपके पैसे, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे। आप अगर DSLR के लिए इसको लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरह के मोबाइल के लिए लेना चाह रहे हैं, तो यह सबसे बेस्ट ट्राईपॉड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी टू मच हाई। और इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने चीज़ें नोट की हैं, मैंने पहले काफ़ी सारे ट्राईपॉड यूज़ किए थे उनमें किसी के अंदर मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा है, लेकिन मेरे पैसे ये इस ट्राईपॉड के लिए बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी तरह के, या आप मुझे कोई नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।